हेलो गाइस, दिस इज़ प्रियांशी. वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूशाला. सो कल मैंने आपको बताया था कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितने कौन से मोड में एग्ज़ाम होता है, क्राइटेरिया क्या है इसका, हमने डिस्कस कर लिया था पिछली वाली वीडियो में. सो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो पेपर वन है, पेपर वन में कितने टॉपिक्स हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं, कितने क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं. चलिए तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन. देखिए, फर्स्ट जो यूनिट है पेपर वन में, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं पेपर वन के बारे में आपको. पेपर वन है जो सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, और जो पेपर सेकेंड है वो उनके लिए जिन्होंने मास्टर्स की है उस सब्जेक्ट में. तो पेपर वन तो हमें नेट में सभी को ही देना होता है. अदरवाइज़ जो हम बात करें के वी एस, डी एस एस, भी इनमें भी टीचिंग आता है, रिसर्च आता है, बट एक यूपी एंड अदर एग्ज़ाम्स हैं, जैसे यूपी के यूपी पीजीटी है, उसमें पेपर फर्स्ट का नहीं आता. बाकी पेपर सेकंड का आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड कंसर्न बिल्कुल डीपली एकदम पूछा जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे है टीचिंग एप्टीट्यूड, एंड सेकंड इज़ रिसर्च, थर्ड इज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो कि पैसेज आएगा, फोर्थ इज़ कम्युनिकेशन, फिफ्थ इज़ रीजनिंग जिसमें कि थोड़ी बहुत मैथमेटिकली भी रीजनिंग आती है, एंड सिक्स इज़ लॉजिकल रीजनिंग, एंड सेवन इज डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. इसके भी क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे. इनमें से ईच यूनिट में से आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे. लगभग पिछली बार लगभग 7 आ गए थे एक यूनिट में से, किसी में 8 आ गए थे, बट ऑलमोस्ट ये क्राइटेरिया रहता है कि 5 to 6 आते हैं ऑफ ईच यूनिट में से. अब आपका आता है ICT. तो ICT भी बहुत इजी है. सेकंड, नाइन्थ इज़ पीपल एंड एनवायरनमेंट, और टेंथ इज़ हायर एजुकेशन जिसमें कि गवर्नेंस आती है. पॉलिटी के पहले आया करते थे क्वेश्चन, बट अभी कुछ रिसेंटली 2-3 ईयर्स से पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं आता है. आपको हायर एजुकेशन में करंट अफेयर से रिगार्डिंग, करंट अफेयर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आपको एडमिनिस्ट्रेशन से 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा. बाकी HRD, मिनिस्ट्री, हायर एजुकेशन में UGC क्या है, कैसे है, और आपकी कितनी बॉडीज़ हैं रिगार्डिंग दिस, मैं आपको आने वाली वीडियोस में ये भी करवाऊँगी. डीपली इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम. सो चलिए इनके बारे में अब थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कहाँ से कितने टॉपिक बनते हैं, किस तरीके से टॉपिक बनते हैं, और क्या पढ़ना है इम्पॉर्टेंट, क्या नहीं पढ़ना है. अब देखिए, एग्ज़ाम का तो कोई पता नहीं, कभी दिसंबर में भी हो सकता है, और आई थिंक वी हैव नॉट कंफर्म येट, बट लेकिन प्रिपरेशन है वो हमें स्टार्ट रखनी है हमारी. सो चलिए, देखिए, अब देखिए पेपर वन है, पेपर वन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं. द मेन ऑब्जेक्ट इज़ टू असेस द टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट्स. देयरफॉर द टेस्ट एम टू असेसिंग द टीचिंग एंड जनरल रिसर्च एप्टीट्यूड एज वेल एज देयर अवेयरनेस. मीन्स इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, बस ये बताया गया है कि आपकी नॉलेज चेक की जाती है कि आप कितना इस पेपर के थ्रू कि आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, क्या है आपकी, जस्ट बेसिक नॉलेज चेक करते हैं वो. तो इसलिए कंडक्ट होता है एग्ज़ाम टीचिंग एप्टीट्यूड. तो देखिए, कॉमन सेंस है, आप खुद एक बच्चे जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, देन आफ्टर वो आगे जाके टीचिंग प्रोफेशन में जाते हैं, तो वो सेम एज बच्चे खुद अपना फील करें कि मैं एक बच्चा हूँ और सामने से टीचिंग है, जो टीचर है वो हमें पढ़ा रही है, तो किस तरीके से कैसे हमें पढ़ना है, उसके इमोशंस, उसके ईच एंड एवरीथिंग कैप्ट इन द माइंड, वी हैव टू बी स्टडी अबाउट दैट. सो देखिए, यहाँ पे बताया गया है ईच सेक्शन गेट्स इक्वल वेटेज, ठीक है, 5 क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स फॉर ईच सेक्शन. ठीक है, 10 मार्क्स था, बट लेकिन देखिए पहले क्या है,
लगभग मैं आपको इसका क्राइटेरिया बता दूंगी कैसे क्या, 5 to 6 क्वेश्चंस बन जाते हैं। पहले 60 क्वेश्चंस आया करते थे, तो आपको 50 करने होते थे, 10 छोड़ने होते थे, मतलब ऑप्शनल थे, 60 में से आपको 50 करने होते थे। बट अब लेकिन आते हैं क्वेश्चन टोटली एक्यूरेट, 50 आते हैं, तो आपको 50 के 50 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। बाकी देखिए अब बात आती है टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में नेचर आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, देखिए जैसे टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, नेचर क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और लर्नर के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम किस तरीके से सुनते हैं, हम मतलब ईच एंड एवरी थिंग आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको और डिस्कसली ब्रीफ डिटेल में डिस्कस करूँगी। जो फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, जैसे कि टीचिंग की कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टीचिंग की टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, तो देखिए टीचर की एजुकेशन, बिल्कुल एनवायरनमेंट, क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है, और आपकी उसका नेचर, ये छोटी छोटी बात है। जस्ट इसमें कोई टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा कोई हार्ड एंड इतना नहीं है कि हम कैसे करेंगे क्या। स्टार्टिंग में थोड़ा सा जैसे जैसे हम करते जाते हैं थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट अगर हम ये समझें कि एक टीचर है, बच्चा बैठा हुआ है, तो किस तरीके से उसको पढ़ाया जाएगा, कैसे उसको किया जाएगा, मतलब बच्चे की रिक्वायरमेंट कि किस तरीके से वो होमवर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो पढ़ क्यों नहीं पा रहा है अच्छे से, मतलब इतना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। नेक्स्ट इज़ मैथड ऑफ टीचिंग्स, कौन कौन से मैथड्स होते हैं, तो ये भी आने वाली वीडियोज़ में हम आपको पढ़ाऊँगी। अब आता है टीचिंग एड्स क्या क्या होते हैं, एवोल्यूशन सिस्टम्स क्या क्या होते हैं, जैसे हमारा पेपर पैटर्न है NCERT, वो हमारा एवोल्यूशन सिस्टम के तौर पर आता है, और अपना दीज आर दी क्वेश्चंस जस्ट बेसिक। अब आता है हमारा रिसर्च, अब देखिए रिसर्च में मीनिंग आएगी कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स के, स्टेप्स क्या होते हैं रिसर्च के, तो देखिए रिसर्च यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका पेपर 1 में भी आएगा और आपका पेपर 2 में भी रिसर्च आएगा, तो रिसर्च एक आप अगर यहाँ, और सबसे तीसरी बात कि आप PhD करते हो तो वहाँ पे भी रिसर्च आपका काम आता है, तो तीनों जगह पे ये रिसर्च काम आएगा, तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको रिसर्च पे भी करना है, इसके एक्सीलेंट तरीके से इसको स्टडी करना, इसके रिसर्च पढ़ना, इसके मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स हैं, फिर उसके बाद स्टेप्स क्या क्या हैं। एथिक्स में से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो घुमा फिरा के देते हैं, बाकी पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस एंड सिंपोजियम। ठीक है, अब थीसिस राइटिंग भी आती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फॉर्मेट क्या है। चलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैसेज दिया जाता है, आपको वो क्वेश्चंस एंड आंसर वो करना होता है। कम्युनिकेशन आपका ICT से रिलेटेड है, जो आपने 11th 12th में पढ़ा था, BST सब्जेक्ट में था, उसके बैरियर्स क्या क्या हैं, इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, उसके नेचर क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है। अब आता है हमारा रीजनिंग, अब रीजनिंग में थोड़ा बहुत यहाँ पे मैथमेटिकली भी आ जाती है, बाकी रीजनिंग में आपके देखिए नंबर सीरीज आएगा, लेटर सीरीज, कोड्स, रिलेशनशिप एंड क्लासिफिकेशन, ये तो आपके मैथमेटिकली था थोड़ा बहुत पार्ट। अब आपका लॉजिकल रीजनिंग है वो ज़्यादा पार्ट का है, जैसे हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट से आपको हमेशा डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा, दैन एवेल्यूटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजन। अब डिडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एक, और वर्बल एनालॉजीज, आपकी अप्लाइड एनालॉजीज, वर्ड एनालॉजीज, वर्बल क्लासिफिकेशन, और आपके डायग्राम्स होते हैं, सिंपल डायग्रामेटिक रिलेशनशिप, मल्टी डायग्रामेटिक रिलेशनशिप, वैन डायग्राम, एनालिटिक रीजनिंग, इनमें सब में से एक एक क्वेश्चन तो ज़रूर लगभग एक एक क्वेश्चन आपका, जैसे रीजनिंग में मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, 6 से 7 लगभग आ ही जाते हैं क्वेश्चन, तो रीजनिंग में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। हालाँकि प्रीवियस ईयर से ऐसे कहते हैं कि 5 कुछ सालों तक आए थे, 2013-14 लगभग 15 तक 5-5 क्वेश्चन, बट बीच में 7 भी हो गए थे, किसी में टीचिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादा भी थे, लगभग 1 या 2 या 3 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है जस्ट। अब आता है हमारा DI भी बहुत छोटू सा, बहुत इजी सा आता है बिल्कुल, जो कि किस पे आ जाएगा, आप ग्राफिकली जो ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन होता है, मैपिंग ऑफ डाटा ही आ जाएगा।
आपका क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा और सोर्सेज एक्विजिशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। एंड सेवन्थ यूनिट इज़ इंफॉर्मेशन ICT। तो ICT से आपका कम्युनिकेशन है ये। आपका यहाँ ICT से आपके मोस्टली करंट अफेयर्स आ जाते हैं, जैसे कौन सी मिसाइल थी वो लॉन्च हुई थी, एजुकेशन से रिलेटेड के आपका न्यूज़पेपर है जो कौन सा न्यूज़पेपर कब कहाँ आपका है, रिलीज़ हुआ था कहाँ पे, फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था। तो इसमें ICT में कुछ नहीं करना, बस मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड इसके यूजेस क्या हैं। इस पर सबसे इम्पॉर्टेंट जनरल एब्रीविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है। बेसिस ऑफ इंटरनेट ईमेलिंग, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे इंटरनेट एंड ईमेलिंग से बनते हैं, जो कि करंट, कुछ एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर से आ जाते हैं, बाकी आपके जो बुक है, एक बुक भी आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊँगी कौन सी बुक कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कितना पढ़ना है, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन है जो लगभग ऐसा नहीं है कि एक दिन, दो दिन, तीन महीने, छः महीने में कवर हो जाएगी। बहुत ही वास्ट सिलेबस है, पेपर वन भी है, पेपर टू भी है, पेपर टू में भी 10 यूनिट्स हैं, मीन्स 10 बुक्स अगर आप देखा जाए तो। बट घबराने की ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि वही सब कुछ आता है जो आपने 11th से लेकर आपने अपनी PG तक पढ़ा है। इससे बाहर कुछ भी वो नहीं पूछते आपको, थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज आपके वहाँ पे चेक करते हैं, और आपकी टाइम मैनेजमेंट, आप कितनी टाइम में आप कितना क्वेश्चन कर सकते हो एक्यूरेटली। सो पीपल एंड एनवायरनमेंट में भी आपके करंट अफेयर्स से आ जाते हैं मोस्टली। यहाँ पे सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और आपकी गैसेस क्या हैं, आपकी कौन सी गैस है, कौन सी CFC गैस है आपकी, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह वगैरह, ये सब गैसेस हैं तो इनसे भी आ जाता है आपका। और उसके बाद पॉल्यूटन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, जैसे कि मैंने बताया कि कौन सी गैस का कहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज, यहाँ से एक दो क्वेश्चन। उसके बाद नेचुरल हजार्ड एंड मिटिगेशन, यहाँ से। अब आता है हमारी हायर एजुकेशन गवर्नेंस पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब पॉलिटी यहाँ पे नहीं आती है, गवर्नेंस के एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे, वो भी सेम इज़ हेयर, करंट अफेयर्स में से पूछा जाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन में से भी एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, एज़ पर न्यू पैटर्न 7th, 9th and 10th आर पार्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस। कौन सा? 7th, 8th and 9th, ठीक है। बट पूरा ही करंट अफेयर्स पे नहीं होता है, यहाँ पे देखिए बात करने की बात है, यहाँ पे 1 and 2, 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, बाकी क्वेश्चन आपके जो सिलेबस है, जैसे जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, इससे रिलेटेड होंगे। तो आप देखिए इसमें यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन इंडिया, फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड जनरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, गवर्नेंस पॉलिटी। देखिए गवर्नेंस के मैंने जैसा कि कहा पॉलिटी के नहीं आते क्वेश्चन, बाकी कॉन्सेप्ट, इंस्टीट्यूशन एंड देयर इंट्रैक्शन। तो देखिए आज हमने समझ लिया है इसका सिलेबस क्या है, पेपर वन का कितने टॉपिक्स हैं, कहाँ से आएंगे, कैसे पढ़ना है। अब इसके सिलेबस क्या क्या है, यहाँ पे लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, जैसे बताया टीचिंग में तो आपका लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हो गया, फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं टीचिंग को ये हो गया, एवेल्यूशन सिस्टम क्या है ये हो गया, टीचिंग के नेचर, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये हो गई। बाकी रिसर्च में यहाँ पे मैंने स्टार लगाया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, बाकियों में से भी बनता है, बट यहाँ से 101% क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। टाइप हो गए कम्युनिकेशन के, और क्लासरूम कम्युनिकेशन के बैरियर्स एंड इफेक्टिव, ठीक है। सो पेपर वन के लिए बस इतना ही, बाकी कोई इतनी घबराने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप अच्छे से डेडिकेशन के साथ इन चीज़ों को फोकस करेंगे, पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि देखिए हर तरह के बच्चे होते हैं, हम कंपटीशन भी आज उस टाइम में है जहाँ पे हम कंपटीशन के टाइम में, तो देखिए
मेन तो आपका एक कोई बच्चा सोचता है कि मेरी अभी तक तैयारी नहीं हुई है, मैं 3 महीने में 2 महीने में मैं कैसे कर लूँगा। एक बच्चा होता है कि एक तो उसे तो पहले से आता है, वो तो इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहा था। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि आपको 3 महीने के लास्ट एंड तक आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, आपने कितना पढ़ लिया है, दैट्स इट। ये नहीं कि उसका ज़्यादा है मेरा कम है, मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा। तो अभी आपके पास 3 महीने जो भी 2 महीने 4 महीने हैं, आप उनको देखिए कि अभी मेरे पास टाइम है, मैं इनमें पढ़ सकता हूँ, मैं इनमें कर सकता हूँ। घबराने वाली कोई बात नहीं है, पेपर वन इज़ वेरी इजी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। टीचिंग तो बहुत ही इजी आता है, और ऐसा नहीं है कि IAS जैसा एग्ज़ाम है, इतना हार्ड है, बस थोड़ा सा वास्ट है, टाइम लगेगा, और धीरे धीरे करेंगे तो ईजीली हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी आने वाली वीडियोस में मैं आपको टॉपिक उठा के, एक एक टॉपिक इनमें से, जैसे टीचिंग हुआ, रिसर्च हुआ, धीरे धीरे करके हम टॉपिक वाइज अच्छे से मैं आपको कवर करवा दूँगी। ओके बाय, थैंक यू।